और ये देखिए तमाम यात्री जो रेलवे में दाखिल हो रहे हैं, यात्री जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन आगे जा रहे हैं, लेकिन सांबा में जिस तरह से यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है यात्रा। प्रशासन द्वारा लॉजमेंट सेंटर्स में सारे इंतजाम किए गए हैं और किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना आए इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सर इस तरह से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? रहने की, खाने पीने की, शौचालय की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के उसमें डोमेन में भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। आज दो पवित्र मौके हैं, एक तो ईद उल अदा के मौके पे मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी, दूसरा उसके साथ साथ हमारी पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है। सांबा में पहले जत्था को हमने यहाँ से रवाना कर दिया है। यही बात यात्रा के सारे प्रबंधों की, तो 22 लॉजमेंट सेंटर्स है हमारे पास, सारी किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, सुरक्षा के सारे इंतजाम पुख्ता है हमारे पास में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और हम चाहेंगे कि यात्रा पूरी सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं जिला मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ और हम अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे भाई साहब परसों शाम 27 तारीख की रात को, और आज हम यहाँ पे चीची मंदिर में रुके सांबा में, और इनसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा कि भाई आपका यहीं हो जाएगा, कार्ड बन जाएगा, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट रखे जा गए हैं ना जी, तो वे फर्जी निकले, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने और जो यहाँ के आप लोगों के सहयोग से हमें पूरा सहयोग दिया गया और हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से कराई जाएगी, और जो हमारे साथ धोखा हुआ है यूपी से, लेकिन यहाँ पे अमरनाथ जी यात्रा के लिए हम सबको भाई इज्जत भाई सहयोग के साथ आपका सहयोग भी मिलेगा और प्रशासन भी हमारे साथ रहेगा। वहाँ किस तरह रजिस्ट्रेशन की गई, क्या बोला गया आपको, कैसे क्या? वहाँ पे बोला गया सर कि आपका 2 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, आप 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसी दिन एजेंट के थ्रू। दिल्ली से हमने कराया था लेकिन वो दिल्ली वाला ना कर रहा है कि बोल रहा है कि मैं जानता ही नहीं आपको, बोला कि मैं तो उसे जानते ही। कितने यात्री हैं आप, कितनी गाड़ियाँ आई हैं? 2 बस आई हैं सर और लगभग हमारे 73 बंदे हैं, और कितनी पे उसमें 69 तो मतलब और मतलब वो पहले रजिस्ट्रेशन 4 तो हमारे जो है रजिस्ट्रेशन पहले हुए थे और 69 हमारे पे हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं पाए गए, लेकिन जो सहयोग आप प्रशासन का मीडिया वालों का हमारे साथ रहा है तो ये सराहनीय है हमारे लिए, और बहुत फख्र की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी होता है कि SP साहब भी, बड़े अधिकारी भी 3-3 घंटे एक छोटे से काम के लिए बैठे हैं हमारे लिए, तो हम तो गर्व करेंगे अपने हिंदुस्तान में। जिसने आपको
आपके साथ फ्रॉड किया है, रजिस्ट्रेशन फेक किया, क्या चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती है कभी ऐसा? हाँ, ऐसा होना चाहिए कि आगे जो कोई आए जो वो आए कम से कम और बंदे परेशान ना हो, हम ही परेशान हुए, हम सुबह से यहाँ पड़े हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन साहब कह गए हैं कि वो होगा, तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। नुकसान हो सकता था अगर ये आपको पता नहीं चलता? नुकसान तो यह है सर कि सारी गाड़ी वापस जाती है भाई, यात्रा वहाँ तक पहुँचती फिर वापस आने थी सब। क्या मैसेज रहेगा आपको उन यात्रियों को जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि वो कैसे? वो अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें बहुत अच्छी तरीके से, अपने जो है मैसेज देख के, और उसके बाद चलें उनसे लेने के बाद, नहीं तो फ्रॉड वाइज चल रही है, सबको ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है कि पैसे कमाए जा रहे हैं एजेंटों के जरिए और फ्रॉड वाइज चल रही है। ठीक है सर, आपने नाम से बताएं कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश गर्ग है और मैं जिला मुजफ्फरनगर चरथावल का रहने वाला हूँ, यूपी। हम लोग 27 तारीख की रात में चले थे मुजफ्फरनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए, और रात में हम चीची माता मंदिर में आए सांबा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हम फ्रेश होने के बाद नीचे काउंटर लगा हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, हमने उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिखाए, तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, ये तो सही नहीं लग रहे हम लोगों को, तो हमने कहा भैया आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, चेक कीजिए, तो उन्होंने चेक किया, फिर यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितना भी प्रशासन लोग थे, सब अधिकारी लोग आए, उन लोग डीसी एसएसपी डीएम सर सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छी तरह हम लोगों से बात की, और हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपके साथ सब कुछ न्याय होगा, जो अभी आपके साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ आपके साथ? हम लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जा रहे हैं, उसमें मिसमैच हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन थे, 2 तारीख में हमारी यात्रा है, तो उसमें हमारे नाम मिसमैच हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो उन लोगों ने हमारी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत अच्छे व्यवहार से हमसे बात की कि आप लोगों की हम यात्रा हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हमने मुजफ्फरनगर से अपने ट्रैवल एजेंट से रजिस्ट्रेशन कराए थे, विकास बस सर्विस, 2 गाड़ियां हैं हमारी, सब लोग बढ़िया से टूर कर रहे थे, और ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ हम लोगों ने अपने चेक करा लिए, नहीं हमें आगे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती। प्रशासन का किस तरह से सहयोग था? प्रशासन का उम्मीद से हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसा हेल्प मिलेगा, इतनी देर बैठना था, प्रशासन यहाँ बैठा है जब से 3 घंटे हो गए हमारे दौरे बैठे हुए, और इतने बड़े लेवल के अधिकारी अभी 1.5-2 घंटे से हमारे साथ हैं अभी तक, बहुत